वेलकम टू मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एडोब एनिमेट सीसी के हेल्प से टेक्स्ट एनिमेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एडोब एनिमेट सीसी का आइकन को डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस आया है, यहाँ आपका मेनू बार में जो फाइल है या न्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करने से आपका कुछ प्रीसेट्स आ जाएंगे, जहां आप अपने मनपसंद प्रीसेट को चूज़ करके आप ले सकते हैं। यहां लिया गया है विड्थ 1920 और हाइट है 1080 पिक्सल में है। और हाँ, प्लेटफॉर्म टाइप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 रहना ज़रूरी है। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म आया है, यहां सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं और इस शेप का नाम बैकग्राउंड BG नाम से लिख देते हैं। लिखने के बाद अगर आप एक ही कलर में रखना चाहते हैं तो आप सॉलिड कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए पहले आपको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा और सॉलिड कलर आप लेना चाहते हैं, आप अपना मनपसंद सॉलिड कलर ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। अगर आप ग्रेडियंट कलर यानी मिक्स कलर में अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो नीचे में एक बार दिया गया है, यहाँ दो फ्लैग लगा हुआ है, आप फ्लैग के नीचे में अगर डबल क्लिक करते हैं तो आप मनपसंद एक कलर आप ले सकते हैं और दूसरे कलर को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके बीच में देखिए, बीच में जो फ्लैग एक दिए हैं, यहाँ भी आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं और इस तरह से आप ग्रेडियंट कलर, मिक्सिंग कलर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रेडियल में लेना चाहते हैं ओवल शेप में, तो ओवल शेप में इस तरह से आ जाएगा। फ्लैग का यूज़ आप स्लाइड करके आप अपना मनपसंद कलर, मिक्सिंग कलर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से कुछ ज़रूरी स्टेप्स आप मिस कर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड लेयर लेंगे, जहां टेक्स्ट का यूज़ होगा। सेकंड लेयर का नाम टेक्स्ट करके लिख लेते हैं और शॉर्टकट की इसका T है, या टूल बार से आप T क्लिक करके भी आप टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड जो है फोटोशॉप ट्यूटोरियल के नाम पर ये एनिमेशन शुरू करते हैं। तो ये लिखा गया है फोटोशॉप ट्यूटोरियल, इसका T को कैपिटल कर लेते हैं और इसका P को भी कैपिटल कर लेंगे। इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल जो लिखा गया है, आप इसका शेप कुछ चेंज कर सकते हैं, जिसे आपको दिखने में बढ़िया लगेगा। इसके लिए आपको सिलेक्शन टूल जो सबसे ऊपर वाला है, उसे आप क्लिक करने से ये आपका ऑब्जेक्ट मोड में हो जाएगा, जहां आप कलर फिल कर सकते हैं। आप अपना मनपसंद कलर अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस जगह से आप रंग, जिस जगह से आप कलर लेना चाहते हैं, वहाँ सिलेक्ट करने से ही आपका कलर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ रेड कलर में लिया गया है। इसको एक काम करते हैं, Ctrl+B करने से एक एक लेटर अलग हो जाएगा। इसको दोबारा Ctrl+B करने से ब्रेक अपार्ट हो जाएगा और सेपरेटली मूव टूल के हेल्प से इसका जो लेटर है, आप अपने अनुसार डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो ये आस्ते आस्ते कर लेते हैं। यहाँ जो फोटोशॉप है, सिर्फ
हम लोग यहाँ पी को करेंगे और ट्यूटोरियल का टी को इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे कर लेते हैं इसका डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं सिलेक्शन टूल से आप जब आप माउस जो पॉइंटर है जब किनारा ले जाएंगे अगर कर्व देता है तो आपका ये कर्व आएगा और अगर आपका एंगल का जो पॉइंटर में एंगल का शेप आता है तो अब जो कॉर्नर है वो कॉर्नर आपका कॉर्नर को आप माउस से ड्रैग करने से जिस तरह से ड्रैग करेंगे उस तरह से आपका शेप आ जाएगा। अब क्या करते हैं थर्ड लेयर लेते हैं यहाँ लाइन करके लिख लेते हैं जो रेक्टेंगुलर जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप के हेल्प से एक लाइन बनाते हैं और लाइन बनाने के बाद इसे F8 कन्वर्ट टू सिंबल कर लेंगे। तो ये आपका एक लाइन ले लिए हैं और इसे कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं जिसका शॉर्टकट की है F8। राइट क्लिक करके भी आप इसे सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके भी आप F8 क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड के हेल्प से F8 कर लेंगे। उसके बाद ये 0 की फ्रेम और 10 की फ्रेम पर F6 कीबोर्ड के हेल्प से F6 या फिर राइट क्लिक करके F6 करने से आपका वहाँ की फ्रेम लग जाएगा और ये जो आपका नीचे बैकग्राउंड वाला लेयर है और टेस्ट का जो लेयर है इसे एक काम करते हैं 150 लेयर तक F5 कर लेंगे। अच्छा 0 फ्रेम में इसे एक काम करते हैं सिलेक्शन टूल का हेल्प से क्विक सिलेक्शन टूल का हेल्प से आप शिफ्ट दाबकर छोटा कर लेंगे। 15 की फ्रेम पर F6 दाबकर एक नया की फ्रेम ले लेते हैं। 10 से 15 के बीच में कोई क्लासिक ट्यून देना नहीं है और 50 नंबर की फ्रेम पर यहाँ F6 देकर और नया की फ्रेम ले लेना है। यहाँ आपको क्लासिक ट्यून देना है। क्लासिक ट्यून देने के बाद आपका जब प्ले करेंगे तो ये धीरे धीरे करके आपका इस तरह से प्ले होगा। इसके बाद 60 नंबर की फ्रेम पर F6 हम लोग देंगे। ये कीबोर्ड का हेल्प से भी होगा और कीबोर्ड के हेल्प से F6 या फिर राइट क्लिक करके इंजेक्ट की फ्रेम करने से भी आपका की फ्रेम लग जाएगा 60 नंबर की फ्रेम पर। और यहाँ भी आपको क्लासिक ट्विन दे देना है 50 से लेकर 60 के बीच में जो फ्रेम्स है इसके बीच में राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन क्रिएट क्लासिक ट्विन दे देना है। और दे देने के बाद जो 60 नंबर की फ्रेम पर जो की फ्रेम है उसे शिफ्ट और माउस के हेल्प से छोटा कर लेना है। कर लेने के बाद इसका जो एनिमेशन है बड़ा होकर छोटा हो जाएगा। तो इसे मैनुअली भी हम देख सकते हैं जो क्रसर पॉइंट है टाइमलाइन का।
इसे मूव करने से हम देख सकते हैं या फिर प्ले करके भी देख सकते हैं। प्ले करके इस तरह से आ रहा है और आपका एनिमेशन वो लाइन इस तरह से एनिमेट हो रहा है। इसके बाद आपका जो टेक्स्ट लेयर है वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू लेयर लेना है, तो क्या होगा जो टेक्स्ट लेयर के ऊपर में एक नया लेयर आ जाएगा, उसका नाम मास्क लेयर कर देते हैं। इसके बाद जो टाइमलाइन में 60 नंबर की फ्रेम पे जाना है, जाने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है। आपका जो 60 नंबर की फ्रेम में जो दिखाया गया है ऊपर में, जो आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल लिखा गया है, एकदम कॉर्नर से फोटोशॉप जो ट्यूटोरियल लिखा गया है इसे कवर कर लेना है। कवर कर लेने के बाद एरो की के हेल्प से आप इसे मूव करके 15 नंबर फ्रेम पर ले जाना है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करके मूव करते हैं तो ये थोड़ा फास्ट मूव होगा। ये देखिए ये काम करते हैं, सिर्फ लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो धीरे धीरे मूव हो रहा है, और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की अगर प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा फास्ट मूव होगा। जो आउटलाइन है रेक्टेंगुलर आउटलाइन, ये फास्ट मूव होगा। तो इसे मैनुअली ले जा रहे हैं टाइमलाइन का जो क्रसर है। उसके बाद यहाँ क्रिएट शेप ट्यून दे देना है, 15 से 60 नंबर के बीच में जो है इसे क्रिएट शेप ट्यून दे देना है। इसे दे देने के बाद जब हम लोग प्ले करते हैं तो ये देखिए दोनों एक साथ नहीं मूव कर रहा है। आपका जो आउटलाइन रेक्टेंगुलर आउटलाइन है और ये जो लाइन जो बनाया गया है, दोनों को एक साथ मूव करने से हमें एनिमेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक साथ मूव नहीं कर रहा है। इसके लिए प्रॉपर्टी में जाना है और 15 से जो 60 नंबर के बीच में जो आपका की फ्रेम है आपका मास्क वाला, वहाँ में क्लिक करने पर जो वहाँ ट्विन जो दिखेगा प्रॉपर्टी के नीचे में, वहाँ इजी आउट करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर में जो क्वाड लिखा गया है इसे डबल क्लिक करने से आपका ये अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो जाने के बाद जो मास्क है वहाँ आपका राइट क्लिक करके मास्क कर देना है। मास्क करने से हमें वो एनिमेशन दिखने को मिलेगा। तो इसके बाद टेक्स्ट में लाइटिंग इफेक्ट देंगे। इसके लिए 60 नंबर जो का फ्रेम है 65 फ्रेम में लेकर इसका की फ्रेम उसमें एक दे देते हैं F6। राइट क्लिक करके F6 कर सकते हैं या कीबोर्ड के हेल्प से F6 कर सकते हैं। उसके बाद फिल कलर में जाकर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से 65 होने के बाद 70 में करते हैं, 85 में करते हैं, 85 में करने के बाद 90 में करते हैं। तो उसको करने के लिए आपको 70 में भी आपको F6 प्रेस करना है, 80 में F6 प्रेस करना है और इस तरह से आपको 5-5 फ्रेम को छोड़कर कर लेना है और अपनी चॉइस से कलर आप फिल कर सकते हैं। इस तरह से 150 फ्रेम तक जाना है और हर जगह 5-5 के अंतर में की फ्रेम दे देना है। इसके बाद इसको प्ले करके अगर देखते हैं तो आपका इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा। और इसे अगर फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने पर ये फुल स्क्रीन शो करेगा। ये लाइटिंग इफेक्ट फिलहाल बहुत अच्छा आ रहा है। कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने के बाद ये फुल स्क्रीन में इस तरह से लाइटिंग शो करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का जो प्यार है ये हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहन करते रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।